शाडोरा मध्य विकलांग अधिकार मंच के बैनर तले जिला स्तरीय बैठक तहसील शाडोरा में आयोजित कर विकलांगों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार आलोक श्रीवास्तव को सौंपा, जिसमें संगठन के प्रदेश संयोजक किशन लाल अहिरवार ने बताया कि मध्य प्रदेश में विकलांग तमाम तकलीफों को सहन कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रोजमर्रा के संघर्ष और बेहतर जीवन यापन के लिए सरकार से सहयोग की बहुत जरूरत है। संगठन की ओर से मुख्य मांग रखी गई है कि विकलांगों को 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाए। नगर निकाय और ग्राम पंचायतों में विकलांग कोटा निर्धारित किया जाए। विकलांगों को बैंक से लोन दिया जाए और शासकीय ऑफिस में खाली पदों पर नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही अन्य मांगे भी रखी गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। बहुत ही श्रम की बात है, अभी 40-50 साल की उम्र हो गई है जिन विकलांगों की, उनको पेंशन नहीं बन पाई, ये बहुत श्रम की बात है। तो हम शासन प्रशासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि जो ठीक है जो हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अब जन तुरंत ही हम ऐसी आशा रखते हैं कि जिन विकलांगों की पेंशन नहीं बंधी है उनको पेंशन बनवाएंगे। और हमारी मांग है कि नंबर एक 3,000 रुपये पेंशन सभी विकलांगों सभी तरह के विकलांगों को दी जाए। और दूसरी मांग है जिन विकलांगों की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से शादी हुई है उनको उनकी योग्यता के अनुसार दोनों को या फिर किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। शाडोरा से EMS TV के लिए अर्पित रघुवंशी की रिपोर्ट।